नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Asus ROG Phone 5S 5G versus Echo 95 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो फोन 5S 5G में 6.81 इंच जबकि 95G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि फोन 5S 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो फोन 5S 5G में 3.03 इंच जबकि 95G में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो फोन 5S 5G में 0.39 इंच जबकि 95G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो फोन 5S 5G में 238 ग्राम्स जबकि 95G में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो फोन 5S 5G में 20:4:9 जबकि 95G में 19:8:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन फोन 5S 5G में 1080x2448 और 95G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन 5S 5G में 82.07% जबकि 95G में 87.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो फोन 5S 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 95G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो फोन 5S 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 95G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो फोन 5S 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 95G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो फोन 5S 5G में Adreno 660 जबकि 95G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो फोन 5S 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus और 95G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फोन 5S 5G में एंड्रॉइड V11 जबकि 95G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी फोन 5S 5G में 6000 mAh जबकि 95G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो फोन 5S 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 95G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Asus ROG Phone 5S 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इको 95G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में फोन 5S 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है, तीसरा OnePlus 8T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 मिनी है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।